Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So how you all are doing? So it's a day 4 of my weight loss journey and I started my morning with some plain water. As I already told you, मैं intermittent fasting पे हूँ, तो मेरा जो eating period है वो शुरू होता है 12 PM. तो मैंने आज breakfast के लिए लिया है ये overnight soaked oats. इसकी recipe भी मैं आपको upload कर दूँगी shorts पे, आप वहाँ से check कर सकते हैं. और हाँ, मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मैं रोज़ इस diet के साथ साथ 30 minutes workout भी करती हूँ, क्योंकि हमारे weight loss के लिए 70% जो है वो contribute diet से ही होता है और 30% workout भी बहुत important होता है, तो मैं home workout ही करती हूँ. फॉर द लंच मैंने लिया आज पपाया. शाम के 5 बजे नहीं और छोटी मोटी भूख स्टार्ट हो गई, तो अनहेल्दी स्नैकिंग की जगह कुछ हेल्दी पे स्विच करें, तो मैंने लिया है रोस्टेड मुरमुरा और एक ब्लैक कॉफ़ी. अभी हो रहे हैं रात के 8 और अभी मैं ले रही हूँ मेरा डिनर. और डिनर में आज मैंने राइस बाउल लिया है. इसमें मैंने करीब 1 कटोरी चावल डाला है, थोड़ी दाल डाली है और बहुत सारा सैलड डाला है. और ये बहुत ही ज़्यादा यमी हो रहा था. मतलब ये बेस्ट मील था मेरा आज पूरे के पूरे दिन का. सबसे ज़्यादा यमी यही था. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना यमी हो जाएगा. नॉर्मल दाल चावल जब खाती हूँ तब भी इतना यमी नहीं लगता जितना ये लग रहा था. इसकी रेसिपी मैं आपको अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स पर, आप वहाँ से जाके पक्का ट्राई करना, पक्का चेक करना. ये बहुत ही ज़्यादा यमी था. बहुत लोगों को कहते सुना है कि चावल मत खाओ, चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, रोटियां मत खाओ, बेसिकली कार्ब्स मत खाओ. तो ऐसा नहीं होता. आप रिफाइंड कार्ब्स मत खाओ, जैसे कि आप मैदा मत खाओ, लेकिन कार्ब्स भी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं. पर मेन बात क्या है, कार्ब्स मेन नहीं है कि कार्ब्स खाना है कि नहीं खाना. कितना आप कैलोरी में खा रहे हो, कितना पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा. अगर कोई हेल्दी चीज़ है वो भी आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे, आप वो कैलोरीज़ नहीं देखोगे ना, तो वो भी आपको नुकसान ही करेगा, वो भी आपका वेट गेन ही करेगा अल्टीमेटली. तो अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आप उसको पोर्शन कंट्रोल करो. अगर आपको चावल खाना, आप 1 कटोरी चावल खा लो. अब आप कहोगे 1 कटोरी से पेट कैसे भरेगा, तो आप क्या करो ना कि आप जो भी एक बार का एक मील लेते हो तो उसमें आप ये देखो कि उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्ब्स भी हो, उसको आपको पूरे फाइबर्स भी मिले हो, फुलफिलिंग भी हो और आपको सारे न्यूट्रिशंस भी मिल जाएं. तो लेट सपोज आप चावल ले रहे हो, तो 1 कटोरी चावल लिया, साथ में 1 भर के कटोरी दाल ले ली, सैलड ले लिया, कुकुम्बर, बीटरूट, अनियन कुछ भी ले लिया आपने सैलड के तौर पे, कैबेज ले ली, तो उससे क्या होगा कि वो आप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी हो जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा, आपके जो क्रेविंग्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी. तो इस तरीके से आप चावल भी खा सकते हो इस तरीके से, वो आपका वेट गेन भी नहीं करेगा. और रही बात रोटी की, तो कुछ लोग रोटियाँ खाना बंद कर देते हैं, तो वो भी ऐसा मत करो. कैलोरी डेफिशिट में खाओ और सब कुछ खाओ, ठीक है? और सब कुछ मतलब मैदा वगैरह नहीं खाना, रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने, जो हेल्दी कार्ब्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ. तो अब रोटियाँ हैं, आप उसको किस तरीके से और हेल्दी बना सकते हो, आप उसमें मल्टीग्रेन मिक्स कर सकते हो, ठीक है? मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हो, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, आप आटा गूंदो समय पे वीट के अंदर आप बेसन मिक्स कर सकते हो उसमें. अब तो देखो सर्दियाँ हैं, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, आप उसमें पालक, मेथी कुछ भी ऐड कर सकते हो, बीटरूट ऐड कर सकते हो उसके अंदर. और मतलब इस तरीके से रोटी को बनाओगे ना, तो क्या होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, वीट आपने बहुत कम यूज़ किया है इसके अंदर, तो और फुलफिलिंग भी होती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है. ट्रस्ट में, मैंने एक रेसिपी भी शेयर की है बीटरूट रोटी की, जिसमें मैंने बेसन भी डाला है वीट के अंदर, बीटरूट भी डाला है मैंने, उसमें मेथी भी डाली है. तो उससे क्या होगा, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा यमी भी होती है. तो आप ना बिना गिल्ट के साथ उसको खा सकते हो, एंजॉय करोगे और मतलब बार बार मन करेगा कि और बनाएं, हम नेक्स्ट डे भी यही चीज़ बनाएं. और ऐसा नहीं होता, कुछ लोग क्या होता है खाना छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि वेट कम करने का मतलब है पूरा पूरे दिन खाना ही मत खाओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता. आपको क्या करना है, अपना पूरा जो पूरे दिन का जो कैलोरी इनटेक हो रहा है आपका टोटल, उस पर ध्यान देना है और प्रॉपर अपनी मील लेनी है, मील स्किप नहीं करनी है. आप मॉर्निंग में खाओ, लंच में खाओ, आपको शाम में स्नैक्स में भी थोड़ा मन कर रहा है तब खाओ, रात में खाओ, लेकिन कितना कितना पोर्शन कंट्रोल करना है और हेल्दी चीज़ें खानी है, ये चीज़ें याद रखनी है. लो कैलोरी वाले फूड ले सकते हो, लो कैलोरी वाले फ्रूट ले सकते हो, मिड मॉर्निंग में आप कोई जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो जो भी अवेलेबल है, जो भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ही खानी है. अगर हमने किसी को ये चीज़ खाते देख लिया वही खाना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आपके आसपास में सीजनल फ्रूट हो वो ले लो. और मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं जितना बता रही हूँ वो चीज़ें वो हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी हैं और खुद एक्सपीरियंस की हैं, क्योंकि मैंने खुद ने 11 kgs PCOD में
कम किया है अपना, क्योंकि आपको पता है पीसीओडी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। पहले मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हुआ करती थी, मैं देखती नहीं थी खाने से पहले मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही। लेकिन जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये यहाँ यहाँ मैंने गलतियाँ की है, ये चीज़ें गलत थी, तो मैंने उन पर काम किया और मैंने 4 मंथ में नेचुरली क्योर हुई हूँ मैं इस चीज़ से, और मैंने अपना 11 kgs लॉस किया है और अभी मैं परफेक्टली फाइन हूँ। और मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो हमारे ख़राब लाइफस्टाइल और हमारी जो ओवरवेट है उसके कारण होता है। ओबेसिटी तो आपको पता है सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है आजकल मोस्ट ऑफ़ द बीमारियों का, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें क्योर नहीं हो सकती, हम इनको अनडू कर सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल से हुई है हमें ये प्रॉब्लम, तो ख़राब लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम उस लाइफस्टाइल को ही अनडू कर दें, उस लाइफस्टाइल को अच्छा बना लें, तो ये चीज़ें भी क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम भी रिवर्स हो जाएगी। और गाइज, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है, कुछ गलत बताया है, तो आप मुझे बिल्कुल फ्री फील करके वहीं करेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं भी अगर, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, तो वहीं से ही मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। हो सकता है मैं किसी पॉइंट पर गलत भी रही हूँ, तो अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे तो इससे मेरी ही इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।